गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जो है रेलवेज कंप्लीट कर लिया था, या फिर आपको आप चाहते मैं आपको एक बार रिवाइज भी उसमें करा देती हूँ। लाइक हमने ये पढ़ा था कि अबाउट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवेज, किस तरह से जो है इंडियन रेलवेज में डिफरेंट रिफॉर्म प्रोग्राम्स हुए थे। लाइक जो भी हमारा मीटर गॉज था, छोटी पटरी की जो भी रेलवे ट्रैक्स थे उनको कन्वर्ट करके ब्रॉड गॉज में जो है बदल दिया गया था। मीटर एंड नैरो गॉजेस वर कन्वर्टेड टू ब्रॉड गॉज, देन स्टीम इंजन इंजन्स ऑफ द ट्रेन वर रिप्लेस्ड बाय द डीजल एंड द इलेक्ट्रिक इंजन्स। इससे क्या हुआ था कि हॉलेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी, कैरिंग कैपेसिटी ट्रेन की इंक्रीज हो गई थी, स्पीड भी काफ़ी फास्ट हो गई थी, और इन्वायरमेंट जो था इन्वायरमेंट फ्रेंड इको फ्रेंडली भी हो गया था, इससे पॉल्यूशन कम हो रहा था। सो दीज वर द यू नो मेजर रिफॉर्म्स इन द रेलवेज। देन मेट्रो रेल, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जो हमारे स्टेट्स थे या जो हमारी यूनियन टेरिटरीज थी लाइक कोलकाता एंड दिल्ली, यहाँ पे जो है मेट्रो रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो भी ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने में। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे मेट्रो ट्रेन जो है वहाँ की लाइफ लाइन है, उनके उसके बिना लोगों जो है वो म्यूट नहीं कर पाएंगे, जो भी दिल्ली का उनका म्यूटेशन होता है वो आपका इसी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। देन एक और मेजर जो है डेवलपमेंट हुआ है आपका कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवेज मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि इंडिया जो है ये सब अगर आप इंडिया का ये मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। आपको सबको पता है कि यहाँ पे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, और जो भी गोवा का जो कोस्टल एरिया है इसको हम कोंकण कहते हैं, कोंकण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में ट्रेन बनाना या फिर यहाँ पे पट्टियाँ बिछाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पे रेलवे पटरियों को बनाना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही एक मेजर माइलस्टोन है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों को कट करके इसमें टनल्स बनाए गए हैं, मतलब कि सुरंग बनाई गई है, और उसके थ्रू जो है ट्रेन पास होती है, तो इसी को हम कोंकण रेलवे कहते हैं। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज हैज बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे इन 1998। तो 1998 में जो है कोंकण रेलवे को बनाया गया था। इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका, ठीक है। अब ये जो कोंकण रेलवे है ये एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कोंकण रेलवे 1988 में बनाया गया था, ये 760 किलोमीटर लंबा है, और ये महाराष्ट्र में एक स्टेशन है रोहा, वहां से स्टार्ट होता है, और मैंगलोर जो है कर्नाटका वहां पर ये खत्म होता है। तो रोहा से मैंगलोर, इट कनेक्ट्स रोहा विद मैंगलोर फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। देन वाई इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल, इसको कहा जाता है। इट क्रॉसेज 146 रिवर्स, ये 146 रिवर्स को क्रॉस करता है, छोटी मोटी स्ट्रीम्स आती हैं बीच में, 2000 छोटे बड़े ब्रिजेस आते हैं, एंड 91 टनल्स मतलब 91 सुरंगे हैं जिनको क्रॉस करती हुई ट्रेन जो है निकलती है। देन एशिया लार्जेस्ट टनल, और इसी के रास्ते में एशिया का सबसे लंबा या सबसे बड़ा टनल आता है जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, वो भी इसी रूट पर पड़ता है। और ये जो कोंकण रेलवे है ये चार जो है मैं तीन स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। सो दिस वॉज अबाउट कोंकण रेलवे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स वेरी केयरफुली वंस अगेन। देन एरियाज अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड ऑफ प्लांटेशन एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स, हिल स्टेशंस एंड कंटोनमेंट टाउन्स वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे जो बड़े महानगर हैं या जो हमारे बड़े टाउन्स हैं या फिर वो एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं या फिर जहाँ पे प्लांटेशन होता है, जैसे टी है, कॉफ़ी है, प्लांटेशन होता है, या हिल स्टेशन जो है या छावनी शहर हैं, ये सारे के सारे जो है रेलवे से वेल कनेक्टेड थे बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी कर दिया था, यहाँ पर रेलवे की पटरियाँ बिछा दी गई थी, और मेन एरिया जो थे इंडिया के वो रेलवेज के थ्रू कवर कर दिए गए थे। और ये मेनली ब्रिटिशर्स ने कवर क्यों किए थे इंडिया को, मतलब इंडिया में रेलवे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था, तो उसका रीज़न ये था कि वो इंडिया का कोई भला नहीं चाहते थे, वो उनको खुद का जो है बेनिफिट था उसमें, ताकि वो इंडिया के जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉयट करके उनको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जहाँ वो चाहते हैं वहाँ उसको लेकर जा सकें। देन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री रेलवे रूट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज टू। आज़ादी के बाद से क्या हुआ है कि ना सिर्फ वो एरिया जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया में जितने भी एरियाज हैं सबको जो है रेलवेज के थ्रू कनेक्ट किया गया है, ताकि पूरा जो भारत है वो रेलवेज के अंतर्गत आ सके और हर आदमी जो है इम्पॉर्टेंट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे।
ठीक है, अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मुंबई एंड मैंगलोर. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू अबाउट द कोंकण रेलवे. नाउ रेलवे कंटिन्यूज टू रिमेन द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेस. रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान. तो आप इसे देख सकते हो कि जो रेलवेज है वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, और ये जो पॉपुलेशन है इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो है रेलवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवेज आर द बेस्ट. एंड इसने जो है एक क्वेश्चन बहुत बार बार एग्जाम में आता है, लाइक हाउ रेलवेज हैव हेल्प इन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल यू नो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. मतलब रेलवेज ने किस तरह से लोगों को बांधा है एक दूसरे से, और लोगों को जो है आर्थिक विकास में भी रेलवे ने काफ़ी अहम योगदान दिया. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेडली बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है. तो ये जो है आप इसको अगर जो है करना चाहे तो बहुत ही आसान है. लाइक रेलवेज पहली बात तो है ये है, ये भारत के हर कोने में जो है रेलवे लाइंस पाई जाती हैं, और इसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा डेवलप है इंडिया में. रिमोट एरियाज में भी रेलवे आपको मिलेगा, और इससे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है रेलवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लंबी दूरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को पहुँचाना है, दैट्स वाई रेलवेज आर द इम्पॉर्टेंट. सेकेंड ये है कि जो भी रिलीजियस पर्पज़ होता है रेलवे, रिलीजियस जो पर्पज़ होता है या कल्चरल जो पर्पज़ होता है उसकी वजह से उसमें क्या होता है कि लोग बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रेलवेज के थ्रू ट्रेवल कर पाते हैं. तो ये इससे क्या होता है कि लोग जो है मतलब ये नहीं कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होती है तभी आप मतलब लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बैठ पाता, लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर पाते हो तो लोगों में क्या है, लोगों में आपसी रिलेशनशिप बना रहता है पूरे कंट्री के अंदर, और लोगों में एकजुटता आती है और इंटीग्रेशन आता है. ठीक है, देन आर्थिक विकास में किस तरह से हेल्प करी तो बहुत कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है. इसमें तो सबको पता है कि रेलवे जो है उनसे कितना ह्यूज टन सामान जो होता है, जो फ्रेट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. देन इंडियन रेलवे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसने हेल्प की है, अर्बनाइजेशन में इसने हेल्प की है. जो है रेलवेज के थ्रू जो है आपके हाँ पैसेंजर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, जिससे कि रेलवे को काफ़ी इनकम होती है. और रेलवे जो है वो सरकारी क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट रेलवे प्रोवाइड करता है. तो ये सारी चीज़ें हो गई, मॉडर्नाइजेशन मैंने आपको बताई दिया है. अब कुछ समस्याएं रेलवेज इंडियन रेलवेज की हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडगॉज की अभी भी काफ़ी कमी है, जिससे कि रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वो काफ़ी, ट्रेन की संख्या ज़्यादा है बट रेलवे पटरी जो है वो काफ़ी कम है, जिससे क्या होता है कि ट्रेन को काफ़ी डिले हो जाता है. आपने बहुत बार देखा होगा कि इंडियन जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट में पहुंचती हैं, और काफ़ी मतलब टाइमली कभी जो है वो मूवमेंट नहीं हो पाता. वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सिंगल ट्रैक होता है, उसी पे कई ट्रेन को निकाला और भेजा जाता है. तो ये सारी डिफिकल्टी फेस करते हैं. देन थेफ्ट की, चोरी की प्रॉब्लम है. देन कभी कभी चेन, वो क्या बोलते हैं, चेन खींच देते हैं ट्रेन की, इससे डिले हो जाता है. तो मतलब ऐसी थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन इंडियन रेलवे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडियन जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको समझ में आए बच्चों? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. ओके, तो बेसिकली देखो आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि क्योंकि इंडियन रेलवे से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इंडिया में रेलवेज में मॉडर्नाइजेशन क्या क्या हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया, ब्रॉड गॉज, इलेक्ट्रिक इंजन, मेट्रो रेल, कोंकण रेल, ये सब, देन रिजर्वेशन सिस्टम भी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया. तो ये सब आपके बदलाव है. ठीक है, कितनी तरह की पटरियाँ होती है, मीटर गॉज, ब्रॉड गॉज, नैरो गॉज, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये भी एग्जामिनेशन में आता है. देन इंडियन रेलवे की प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे ने आपको बताया कि अभी भी जो है ब्रॉड गॉज की कमी है, डिले होता है ट्रेन्स में. देन कुछ हमारे भारत में एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रेलवे नेटवर्क बहुत ही कम है या ना के बराबर है. लाइक अरुणाचल प्रदेश में आपको बिल्कुल भी रेलवे नहीं मिलेगी क्योंकि वो पहाड़ी एरियाज, जैसे कि हिल स्टेट्स हो गए, वहाँ पे पहाड़ रेलवेज नहीं है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है भारत के. देन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको कम रेलवे मिलेगा क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है. एंड देन राजस्थान का जो भी डेजर्टिक एरिया है वहाँ पे आपको रेलवेज देखने को नहीं मिलेंगे. तो जहाँ भी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम होती है या आपको भूभाग जो है काफ़ी वो ढलान वाला होता है तो वहाँ पे आपको रेलवेज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रोड्स चल सकते हैं, ट्रेन वहाँ पे जो है बैलेंस मेंटेन करके नहीं रख सकती है. तो ये हमारा रेलवे से खत्म हुआ. इसमें आप कोंकण रेलवे अच्छे से पढ़ लेना, रोहा टू मैंगलोर कहाँ से कहाँ तक है. देन मेट्रो रेल का पढ़ लेना. देन आप जितनी भी पटरियों के बीच में जितना डिस्टेंस है वो आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना. नाउ नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट, आपको सबको पता ही है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर इंटरनेशनल यू नो
इंटरनेशनल ट्रेड, लाइक जितना भी हमें कार्गो, कार्गो मतलब जब हमें हैवी एंड बल्की जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें जब हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है स्पेशली टू द अदर कंट्रीज आउटसाइड इंटरनेशनल मार्केट, सो फॉर दैट पर्पस वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैवी सामान जो है आप वाटर वेज के थ्रू ही पहुँचा सकते हो. सो दिस इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल. देन इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट, इसमें एरोप्लेन के मुकाबले कम जो है तेल का खपत होती है, खर्चा कम होता है, इको फ्रेंडली होता है, इससे मतलब ज़्यादा धुआं धक्कड़ नहीं होता है, तो इसमें पटरी बिछाने की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. देन वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है आपके दो तरह का होता है, वन इज इनलैंड एंड दी अदर इज ओशनिक. ये सब हम लोग वर्ल्ड की बुक में पढ़ चुके हैं. इनलैंड मतलब एक देश के अंदर, ओशनिक मतलब देश से बाहर, जैसे कि आपका ओशन हो गया, सी हो गया. तो जब भी हमें किसी दूसरे देश में जाना होता है तो हम ओशन का यूज़ करते हैं, जब हमें देश के अंदर ही काम करना होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे हम इनलैंड कहते हैं. तो जब पहले हम इनलैंड का यूज़ करते हैं, इसको हम आंतरिक जलमार्ग कहते हैं, स्थानीय स्थानांतरिक कुछ ऐसे कहते हैं हिंदी में. नाउ इनलैंड वाटरवेज, रेलवे से पहले वाटरवेज का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था, स्पेशली फॉर पैसेंजर्स, लेकिन जब से आपके रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज विकसित हो गए तब से जो है वाटरवेज का इंपॉर्टेंस कम हो गई है एज फार एज पैसेंजर्स आर कंसर्न. मतलब लोग जो हैं अब बहुत कम ट्रेवल करते हैं इससे, लोग अब दो दो महीने कौन जाता है शिप से ट्रेवल करके, सब लोग जो है एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं फॉर यू नो इंटरनेशनल ट्रेवल. बट नाउ इट हैज़ फेस्ड कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो पहले बहुत इसका इंपॉर्टेंस था. ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इनलैंड वाटरवेज हैव फेस्ड यू नो स्टिफ कॉम्पिटिशन, तो मतलब क्यों डिक्लाइन हो रहा है जो इनलैंड वाटरवेज, मतलब जो भी देश के अंदर जलमार्ग होता है वो बहुत ही कम होता जा रहा है हर देश में. इसका रीज़न क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनलैंड नेविगेशन इतना कम क्यों हो गया है. उसका पहला रीज़न भारत में ये है कि पहली चीज़ कि एक तो उसको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है. पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट था, नदियाँ थी, नहरें थी, झील थी, तो लोग उसका यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. ठीक है, लेकिन अब रोड विकसित हो गई है, रेलवे सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हो गया है, तो अब लोग क्यों मतलब इतना टाइम लगाएं, या फिर इतना देश के अंदर ही अगर उन्हें मूव करना है तो इतना फालतू का मतलब इतना डिले करके, और इसका कोई मतलब ही नहीं है. तो इसीलिए अब जो है रोड और रेलवे की वजह से इनलैंड वाटर वेज को काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है. लोग जो है रोड और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू इनलैंड वाटर वेज. देन नेक्स्ट नेक्स्ट इज मोर ओवर डाइवर्जन ऑफ लीवर. फर्स्ट रीजन समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. बोल तो लो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो भी हमारा इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब ये अगर आप लोग खुद भारत में रहते हो कि आपको आप लोग यूज करते हो क्या ये, मतलब कि आप नदी पकड़ के कहीं आप अपने आपको मतलब उत्तर उत्तर प्रदेश जाना है तो क्या आप गंगा नदी में नाव से बैठ के जाते हो कि ट्रेन से जाते हो, रोड से जाते हो, बताइए. आई थिंक ये बच्चे ज्वाइन करके बैठे हैं लेकिन इनका कुछ आवाज नहीं आ रहा है. अमन भंडारी आप बताइए जरा, अमन भंडारी आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बच्चे कनेक्टेड ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मेरे को जो पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ा ही रही हूँ. ठीक है, सो इनलैंड वाटर इसलिए क्या है कि हमारा जो इनलैंड वाटर वेज है काफ़ी कम हो गया है इंडिया में. अब लोग जो है वाटर वेज नदियों को या जो झील है उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लोग क्या है रोड और रेलवे को यूज़ करते हैं. सो वाटर वेज आर फेसिंग कॉम्पिटिशन. सेकेंड, जो भी नदियां हैं उनका पानी डाइवर्ट करके उसको सिंचाई के लिए खेतों में भेज दिया जाता है, जिससे नदियों में पानी कम होता जा रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नदियों में जब पानी की जो लेवल है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है नदियों में जब पानी नहीं बचेगा तो फिर उस पर आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हो. ठीक है, देन हमारी बहुत सारी नदियां जो है भारत में वो नॉन नेविगेबल है, मतलब उसमें आप नाव नहीं चला सकते. तो नॉन नेविगेबल होने की वजह से हमारी भारत में जो है नाव से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कम है. इंडिया हैज़ 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अबाउट जस्ट 1% ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन. तो सोचिए कि हमारी जो कुछ ही नदियाँ, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा है, एक गंगा है, यही बस नदियाँ हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी पूरी नदी में नहीं होता है, कुछ उसका हिस्सा है, कुछ उसका स्ट्रेच है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. तो बहुत ही कम है मतलब इस्तेमाल किया जाता है. इट कंप्राइजेज रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स एक्सेट्रा.
एट प्रेजेंट 3,700 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट फ्लैट बॉटम वेसल्स आउट ऑफ विच ओनली 2,000 किलोमीटर आर एक्चुअली यूज सिमिलरली आउट ऑफ 4,300 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क ऑफ नेविगेबल कैनाल ओनली 900 किलोमीटर इज नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारत में काफी नाव है, काफी फ्लैट बॉटम वेसल्स है, लेकिन उनका इस्तेमाल काफी कम होता है, मतलब जितनी बनाई गई है उतना इस्तेमाल इनका नहीं होता है। ठीक है, तो भारत में इनलैंड वाटरवेज काफी कम यूज होता है। फॉर द डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1986। अब वो अथॉरिटी जो कि इनलैंड उसको देखती है, उसको पूरा रख रखाव करती है, वो क्या नाम है उसका, IWA, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी। ये पूरे भारत में जो भी नदियां हैं या जो भी नहरें हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको उसकी देखभाल करती है। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दिया गया है कि हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सा है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 कौन सा है और नेशनल वाटरवे नंबर 3 कौन सा है। जैसे हमारे हाईवेज होते हैं ना, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2, वैसे ही जो हमारी सबसे मुख्य नदियां हैं, जो सबसे जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग जिस नेशनल वाटरवे नंबर 1 उसका नाम रखा गया है। और ये रिवर गंगा है, ठीक है, रिवर गंगा। और रिवर गंगा जहाँ से इलाहाबाद, मान लो रिवर गंगा जहाँ से भी फ्लो होती है और इलाहाबाद, जैसे ही इलाहाबाद में पहुँचती है तो इलाहाबाद से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में हल्दिया। ठीक है, तो इतना जो एरिया है गंगा रिवर का, ये पूरा क्या है, नेविगेबल है, इसमें नाव चलती है। इलाहाबाद से पहले नाव नहीं चलती है और हल्दिया के बाद भी नाव नहीं चलती है। तो यूपी से लेके वेस्ट बंगाल का जो इतना स्ट्रेच है बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, 1620 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, इसमें जो है नाव चलाई जाती है, इसमें जो है इनलैंड नेविगेशन किया जाता है। बाकी जो हिस्सा है रिवर गंगा का वो उसमें नेविगेशन नहीं होता, इसलिए और ये बहुत ही इसी में मतलब मैक्सिमम यूज किया जाता है इसको, इसलिए इसका नाम क्या है, नेशनल वाटरवे नंबर 1। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सा है भारत का, तो आपको पता होना चाहिए, रिवर गंगा बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन इंडिया विच इज नेविगेबल बाय मैकेनिकल बोट्स अप टू पटना एंड बाय ऑर्डिनरी बोट्स अप टू हरिद्वार। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर डेवलपमेंट पर्पस, हल्दिया टू फरक्का, फरक्का टू पटना एंड पटना टू इलाहाबाद। मतलब इसको डेवलपमेंट विकास करने के पर्पस से इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक हल्दिया से फरक्का, फरक्का जो है बराज है एक, वो भी वेस्ट बंगाल में ही है, देन फरक्का से पटना, फरक्का से पटना कहाँ पे, फरक्का वेस्ट बंगाल में है, पटना बिहार में है, देन पटना से इलाहाबाद, पटना बिहार से लेके इलाहाबाद तक का 600 किलोमीटर का एरिया। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि रिवर जो गंगा है वो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है और इलाहाबाद से हल्दिया का जो स्ट्रेच है वो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहा जाता है। 27/10/1986 को इसको कमीशन किया गया था। दूसरा वाटरवे है हमारा जिसका नेशनल नाम है नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये है हमारा रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर। पहला जो नेशनल वाटरवे है वो रिवर गंगा के ऊपर है, दूसरा ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। तो नेशनल वाटरवे 2 जो है वो सदिया से धुबरी, ठीक है, सदिया ब्रह्मपुत्र रिवर सदिया से धुबरी, सदिया एक सिटी है, धुबरी एक सिटी है, एक एरिया है, तो इनके बीच का जितना स्ट्रेच है ब्रह्मपुत्र का उसको हम कहते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 2। और इसमें स्टीमर्स चलाए जाते हैं और ये 891 किलोमीटर लंबा है, ये दोनों ही असम में है। देन नेशनल वाटरवे नंबर 3 हमारा जो है एक नहर है, जिस नहर का नाम है कुट्टापुरम कोल्लम स्ट्रेच, ये 205 किलोमीटर लंबी नहर है और ये कहाँ पे, आपका कर्नाटका, तमिलनाडु कर्नाटका में। इट इंक्लूड्स 168 किलोमीटर ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनाल अलॉन्ग विद चंपाकारा कैनाल एंड उद्योग मंडलम कैनाल। तो ये 3 हमारे जो है नेशनल वाटरवेज हैं, पहला गंगा में है, दूसरा ब्रह्मपुत्र में और तीसरा एक नहर है जिसका नाम है कुट्टापुरम कोल्लम। तो ये 3 जो हमारे नेशनल वाटरवेज हैं आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी हैज आल्सो आइडेंटिफाइड 10, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज आल्सो हेल्ड इन द बैक वाटर्स। बैक वाटर्स जो होते हैं ये एक स्पेशल फीचर होता है जो केरल में पाया जाता है। बैक वाटर्स मतलब यहाँ पे समुद्री का पानी जो है वो केरल के कुछ शहरों के अंदर घुसा हुआ है, तो उसको हम बैक वाटर्स कहते हैं। और यहाँ पे जो है बोट रेस होती है, जो आपने देखा होगा कि एक लॉन्गिट्यूडनल बोट रेस होती है, इसको हम फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहते हैं और उनकी लैंग्वेज में वल्लनकली कहते हैं केरल में। तो ये भी होता है आपका। अब हम आते हैं ओशनिक रूट्स में। तो ओशनिक रूट्स में जो है इंडिया की काफ़ी लंबी 7517 किलोमीटर लंबा हमारे पास कोस्टल एरिया है, 12 सी पोर्ट्स हैं हमारे पास, बड़े सी पोर्ट्स हैं और 184 हमारे पास माइनर सी पोर्ट्स हैं।
ओशनिक रूट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरन ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड 70% बाई वैल्यू थ्रू ओशन रूट्स. मतलब 95% अगर हम वेट के हिसाब से देखें, मतलब सामान का जो जितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 95% जो है ओशन से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं. और अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें, मूल्य के हिसाब से देखें, तो 70% जो है हमारा सामान जो कि वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो ओशन से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. सो आप देख सकते हो कि हमारा मैक्सिमम जो है ओशनिक रूट से ट्रांसपोर्टेशन होता है. 95% हमारा ओशनिक रूट से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड 70% बाय वैल्यू. अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. अगर हमें अपने अंडमान निकोबार जाना हो, लक्षद्वीप जाना हो, तब भी हम ओशन रूट का ही यूज करते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है इट इज द फास्टेस्ट मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर हमें लंबी दूरी के लिए जाना है तो हमें हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा होता है? एयर ट्रांसपोर्टेशन. ये डिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है, ट्रेवल टाइम को कम कर देता है एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया. इंडिया जैसे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ पे अलग अलग तरह के भूभाग हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग होती हैं. जैसे हमारे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर भी है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज भी हैं, फॉरेस्टेड एरियाज भी हैं, डेजर्टिक एरियाज भी हैं. तो वहाँ पर पहुँचने के लिए जो है हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर हमारे पास एयरवेज नहीं होगा. तो एयरवेज ने काफ़ी जो है हमारा काम आसान कर दिया, स्पेशली फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस. एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अ बिगनिंग इन 1911 व्हेन एयर मेल ऑपरेशन कमेंस्ड ओवर अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी. तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. सबसे पहली बार हमारे भारत में जो एयर ट्रांसपोर्ट चला था वो सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए चला था 1911 में बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी. तो अब ये यूपी का ही पूरा एरिया है. सो इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर सिर्फ चला था सबसे पहली बार. तो इसको आप स्टार बना के आप इसको याद रखेंगे. But its real development took place in post-independent period. The Airport Port Authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic and aeronautical communication services in the Indian air space. So हमारा जो एयरपोर्ट AAI है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप. Airport Authority of India AAI, ये इसका पूरा काम है. It is the main authority which provides safe, efficient air traffic, aeronautical communication services in the Indian air space. मतलब आप जानते हो कि जब भी आपके हवाई जहाज चलते हैं तो उसके लिए पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन होता है, बाय एयर आपको कम्युनिकेट करना होता है कि भाई किसी तरह का मिस हैपनिंग ना हो जाए, है ना. तो सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो सेफली, क्योंकि एक बहुत ही रिस्की ये माना जाता है क्योंकि अगर आप ऊपर एक बार पहुंच गए और वहां कुछ हुआ तो वहां पे कोई भी फिर मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो इसलिए सेफली प्रोवाइड करना, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का. द अथॉरिटी मैनेज 126 एयरपोर्ट्स, 126 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. ठीक है, तो टोटल इंडिया में 126 एयरपोर्ट्स, अभी तो और भी बन गए होंगे क्योंकि बनते ही जा रहे हैं. अभी इसमें से 11 इंटरनेशनल है, 86 डोमेस्टिक है एंड 29 सिविल एनक्लेव्स एट डिफेंस एयरफील्ड. तो इस 126 में 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 86 डोमेस्टिक हैं, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया की इधर उधर से पहुंचाया जाता है पैसेंजर्स को, और 29 सिविल एनक्लेव्स हैं. 29 मतलब कि 29 ऐसे आपके एयरपोर्ट्स हैं जो कि डिफेंस मतलब एयरफोर्स के अंदर में. ठीक है, सो द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज मैनेज्ड बाय टू कॉरपोरेशंस, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस आफ्टर नेशनलाइजेशन. अब भारत में जो एयर सर्विस है उसको नेशनलाइज कर दिया गया है, इसको मतलब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, मतलब सरकार के अंदर में आ चुका है. अब सरकार ने दो कॉरपोरेशन बना दिए, एक है आपका एयर इंडिया और दूसरा इंडियन एयरलाइंस. तो आपने इसके नाम सुने होंगे, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस. नाउ मैनी प्राइवेट कंपनीज, अब तो जैसे प्राइवेट कंपनीज भी इस फील्ड में आ गई हैं, जैसे इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया तो सरकारी हैं, लेकिन जैसे स्पाइस जेट है, इंडिगो है, देन विस्तारा है, ये सब आपकी प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो कि लोगों को सर्विस जो है प्रोवाइड करती हैं. नाउ एयर इंडिया के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं. एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक. इट कनेक्ट्स ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स सर्विसेज. ठीक है, सो एयर इंडिया जो है एयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है पैसेंजर्स को भी और कार्गो ट्रैफिक भी. मान लो कहीं हैवी कार्गो तो नहीं है, लेकिन जैसे कुछ चिट्ठियाँ हैं, मेल है, उसको पहुँचाना हो, वैल्यूएबल आइटम है उसको पहुँचाना हो, तो एयर इंडिया उसमें हेल्प करता है. इन 2005 इट कैरिड 12.2 मिलियन पैसेंजर्स एंड 4.8 लाख मेट्रिक टन ऑफ कार्गो. एयर ट्रैफिक वॉज हैंडल्ड ओनली एट मुंबई एंड दिल्ली एयरपोर्ट्स. हमारे सबसे बड़े दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो है मुंबई एंड दिल्ली एयरपोर्ट, जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है हैंडल करते हैं भारत में.
नाउ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस, हम इंडियन एयरलाइंस की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट सेक्टर में 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज लॉन्च बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, ये आपको बता दिया गया मैंने। इन 1953 एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज एंड टू कंपनीज एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस वॉज फॉर्म। नाउ इंडियन एयरलाइंस इज नोन एज इंडियन। तो इस तरह के मतलब इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टेट ओन डोमेस्टिक कैरियर इंडियन एयरलाइंस ड्रॉप द वर्ल्ड एयरलाइंस फ्रॉम इट्स नेम एंड इज नोन एज इंडियन फ्रॉम 2005 द न्यू ब्रांड नेम इंडियन नाउ अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फ्यूसलेज। मतलब कहते हैं कि जो जितने भी हमारे सरकारी विमान चलते हैं, एयरक्राफ्ट चलते हैं, उनके आस दोनों तरफ क्या लिखा रहता है, इंडियन। द लोगो ऑन द ऑरेंज ट्रेल, मतलब अगर आपने कभी एयर इंडिया की फ्लाइट देखी होगी तो उसमें उसका पूंछ जो होती है, टेल जो होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है, जिसपे आई ए लिखा होता है। इट हैज आई हैज ऑल्सो बीन चेंज, इट हैज बीन रिप्लेस बाय अ न्यू लोगो विच इज पार्टली विजिबल ब्लू व्हील। ठीक है ना, तो ये पहले आई ए लिखा रहता था, अब उसपे नीले रंग का चक्र बना रहता है व्हील, जो किससे इंस्पायर्ड है, सन टेम्पल एट कोणार्क ओरिसा से, सिंबलाइजिंग टाइमलेस मोशन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अभी इंडियन एयरलाइंस है उसके ऊपर इंडियन लिखा रहता है, और उसका जो लोगो है वो अब बदल के एक चक्र हो गया, नीले रंग का चक्र बन गया। वो चक्र कहाँ से लिया गया, सन टेम्पल एट कोणार्क ओरिसा से, और इस चक्र का मतलब क्या होता है, टाइमलेस मोशन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो ये सारे जो है आपका एयर ट्रांसपोर्ट का था। देन एक और है पवन हंस, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। पवन हंस इज द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन द हिली एरियाज एंड इज वाइडली यूज बाय द टूरिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। तो पवन हंस जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उसको वाइडली यूज किया जाता है, टूरिस्ट इसे यूज करते हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। इन एडिशन पवन हंस लिमिटेड मेनली प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू पेट्रोलियम सेक्टर एंड फॉर टूरिज्म। पवन हंस भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको आप याद रखेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओपन स्काई पॉलिसी, ये बहुत बार आ चुका है। To help the Indian exporters and make their export more competitive, the government had introduced an open sky policy for cargo in April 1992. Under this policy, foreign airlines or association of exporters can bring any freighters to the country. तो ये open sky policy जो है जिसको हम हिंदी में, याद नहीं आ रहा मुझे, open मुक्त आकाश नीति कहते हैं, हिंदी में इसे मुक्त आकाश नीति कहते हैं, इंग्लिश में ओपन स्काई पॉलिसी। इसमें ये बेसिकली क्या था, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए था, जो भी हमारा व्यापार होता है, व्यापार को जो है सुचारू बनाने के लिए, व्यापार को आसान करने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी चलाई थी 1992 में अप्रैल में। ठीक है, जिसमें ओपन स्काई फॉर कार्गो के लिए, कार्गो मतलब जो सामान जो है भेजा जाता है इंडिया से या इंडिया में मंगाया जाता है उसके लिए। इस अंडर दिस पॉलिसी फॉरन एयरलाइंस और एसोसिएशन ऑफ एक्सपोर्टर्स कैन ब्रिंग एनी फ्रेटर्स टू द कंट्री। इसमें इस पॉलिसी में सरकार ने जो हमारे विदेशी विमान थे या जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे, एक्सपोर्टर्स मतलब जो कि सामान बेचते हैं, उनको ये आज़ादी दी कि वो इंडिया में जो है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई भी सामान भारत में मंगा सकते हैं। ये तो पहले क्या था कि बहुत महंगा पड़ता था, मतलब सामान को मंगाना और भेजना, लेकिन सरकार ने उसको जो है काफ़ी उसमें कंसेशन दिया, इसी को कहते हैं ओपन स्काई पॉलिसी। सो अंडर दिस पॉलिसी फॉरन एयरलाइंस और एक्सपोर्टर्स कैन ब्रिंग एनी फ्रेटर्स टू द कंट्री। मतलब आप भारत में आसानी से कोई भी सामान ला सकते हैं बाय एयरवेज। तो ये था ओपन स्काई पॉलिसी 1992 अप्रैल में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करेंगे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको, आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप इसको दोबारा जो है रिवाइज करेंगे, और मैं इसको जो भी क्वेश्चन है मैं इसको कल आपसे पूछूंगी। इसमें काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू में जरूर आ सकते हैं।